हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टिल के सही यूज़ के बारे में। मतलब स्टिल को सेंटेंस में कहाँ लगाया जाए जिससे कि हमारा सेंटेंस गलत ना हो। स्टिल का मतलब होता है अब भी या फिर अभी भी, ये मोस्टली सभी को पता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, मतलब इसको सेंटेंस में कहाँ लगाया जाना चाहिए, शुरू में, लास्ट में या फिर बीच में, इस बात को लेकर लोग अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जो बहुत मत्था ख़राब करता है। तो आइए आज सीखते हैं कि इसको सेंटेंस में कहाँ लगाया जाता है जिससे कि हमारा सेंटेंस गलत ना हो। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बस। गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन तीनों में ही स्टिल की पोजीशन अलग अलग जगह पर होती है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, जिनमें नहीं वगैरह नहीं होता, ना ही उनमें कुछ पूछा जाता है। जैसे कि वो खाना खा रहा है, तुम किताब पढ़ रहे हो, वो स्कूल जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं आता है, मतलब जिनमें हम मना करते हैं। जैसे कि वो खाना नहीं खा रहा है, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, वो स्कूल नहीं जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ पूछा जाता है, मतलब जिनमें सवाल किया जाता है। जैसे कि क्या वो खाना खा रहा है, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या वो स्कूल जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि स्टिल की सही पोजीशन क्या होती है। गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टिल को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस में स्टिल को सेंटेंस के जस्ट पहले लगाया जाता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टिल को सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वो अब भी खाना खा रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें स्टिल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा। ही इज़ स्टिल ईटिंग फूड। अगर हम इस सेंटेंस में स्टिल का यूज़ शुरू में करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो अब भी खाना नहीं खा रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें स्टिल का यूज़ सेंटेंस से पहले किया जाएगा। स्टिल ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। क्या वह अब भी खाना खा रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें स्टिल का यूज़ सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। इज़ ही स्टिल ईटिंग फूड। मैं अभी भी हैरान हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें स्टिल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा। आई एम स्टिल सरप्राइज्ड। मैं अभी भी हैरान नहीं हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें स्टिल का यूज़ सेंटेंस से पहले किया जाएगा। स्टिल आई एम नॉट सरप्राइज्ड। क्या मैं अभी भी हैरान हूँ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें स्टिल का यूज़ सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। एम आई स्टिल सरप्राइज्ड। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टिल को सेंटेंस में कहाँ लगाया जाता है, कहाँ फिट किया जाता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।